दोस्तों आज हम बनाएंगे बेहद ही ज़बरदस्त गार्लिक ब्रेड जो हर एक पिज्ज़ा जॉइंट को बीट कर देगी, और साथ ही में हम बनाएंगे पिज्ज़ा डिप जो दोस्तों आपने बाहर मार्केट में तो बेहद खाई होगी, लेकिन घर पे पिज्ज़ा डिप के साथ आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड बहुत ही बढ़िया। तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा शुरुआत करता हूँ। दोस्तों एक पैन ले लीजिए दोस्तों, और उसमें आपने कद्दूकस करा हुआ गार्लिक ले लीजिए दोस्तों। गार्लिक को हल्का सा एक दो मिनट ले ही सिर्फ सॉटे करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, मैं हल्का सा घी और बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये गार्लिक बहुत ही बढ़िया खुशबू दे देगा सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर, और उसके बाद आपको इस गैस को बंद कर देना है। अभी मुझे 30 सेकेंड्स ही हुए, हल्का सा और मैंने घी बढ़ा लिया है, कम लग रहा था, और हल्का सा सॉटे किया और गैस बंद है अब मेरा। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से आराम से ये धीरे 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 भुन रहा है, और सारे घी में मेरी खुशबू आ चुकी है। अब मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है दोस्तों। अब इस कटोरी में मैंने थोड़ा सा धनिया और अपने थोड़े से मसाले डाल लेने हैं, जैसे कि लाल मिर्च, नमक, और हमें थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग डाल के इसको अच्छे से घुमा लेना है। मसाले का मैंने वीडियो में शूट नहीं करा, लेकिन मैंने अच्छे से डाल के अब घुमा के तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इस घी को मैं यूज़ करूँगा गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। अब बना लेते हैं पिज़्ज़ा डिप। पिज़्ज़ा डिप बनाने के लिए मुझे फिर से एक चम्मच देसी घी ले लेना है, और ऐसे ही एक चम्मच मुझे मैदा ले लेना है। सिर्फ एक मिनट के लिए इसको सॉटे करना है, एक मिनट से ज़्यादा नहीं भुनना है। तो दोस्तों ये आप देखोगे हल्का सा एक मिनट में बढ़िया भून जाएगा, और रेड भी नहीं होगा, इसलिए हमारी जो डिप का कलर है वो वाइट ही आएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है। दोस्तों हल्का सा सॉटे हो चुका है, तो चलिए अब इसमें दूध डाल लेते हैं। दूध एक एक करके डालना है, एक साथ सारा इकट्ठे नहीं डाल देना है, नहीं तो लम्स बन सकते हैं। थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, और हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों ये हमारी चीज़ डिप बस एक और मिनट में ही बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी घर पर अगर चीज़ स्प्रेड या चीज़ स्लाइस पड़ी हो तो ऐड कर लें, नहीं पड़ी हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अगर पड़ी होगी तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस चीज़ डिप की, ये थोड़ा सा बढ़िया लगता है। तो किसी भी तरीके की चीज़ पड़ी हो प्रोसेस्ड आपके पास घर में तो वो इसमें ऐड कर लें। हल्का सा सॉल्ट, और ये एकदम बढ़िया आपकी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया आपको बना के तैयार हो जाएगी चीज़ डिप घर पर ही। तो चलिए दोस्तों हमारी चीज़ डिप अच्छे से बन चुकी है, लम्स आज ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे पिज्ज़ा बनाने में और खाने में दोनों ही जगह पे। भाई वाह, क्या चीज़ डिप घर पे तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों चीज़ डिप तो तैयार हो गई है, अब तैयार कर लेते हैं हमारी गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आपको मार्केट में जो दो नॉर्मल ब्रेड्स आती हैं वही ले लेनी है। चलो ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा तवे पे लगा लेते हैं हम देसी घी, और देसी घी लगाने के बाद दोस्तों हम एक साइड से ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं। बहुत पतली सी परत लगाई है देसी घी, क्योंकि हमने जो घी गार्लिक बटर तैयार करा था वो हमने यूज़ करना है इसमें अच्छी तरीके से। तो लगभग 30 सेकेंड्स में ये रोस्ट हो जाएगी, तब तक हम दूसरी साइड से जो हमने बटर गार्लिक का तैयार किया था, धनिया मसाले गार्लिक डाल के, उसकी एक परत लगा लेते हैं अपनी ब्रेड पर, तब तक नीचे से अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। दोस्तों बेहद ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में, पूरी गार्लिक ब्रेड अभी तक बनी नहीं है लेकिन खुशबू आ चुकी है इसकी दोस्तों, क्योंकि इस जो पेस्ट हमने तैयार करा था ये घी का, ये बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस दे रहा है गार्लिक की। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी साइड को बदल लेते हैं, पीछे से अच्छे से रोस्ट हो गई थी, अब दूसरी साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तब तक हम इसमें जो हमने चीज़ डिप तैयार करी थी वही चीज़ की एक पतली सी परत लगा लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है दोस्तों गार्लिक ब्रेड, आपको मैं बता दूं मैं खा चुका हूँ इसको, और बेहद ही ज़्यादा मैंने इसके ऊपर थ्योरी करी है और उसके बाद ये वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों ये एक पतली लेयर के बाद अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा दूंगा। दोस्तों आपके घर में मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप चीज़ डिप वाली चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें, तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ लगा दी है। मोज़रेला चीज़ से एक बढ़िया सा इफ़ेक्ट आता है, जब भी हम ब्रेड को तोड़ेंगे तो चीज़ खिंचने का इफ़ेक्ट जो आता है वो इस मोज़रेला चीज़ से ही आएगा। तो चलिए मैंने अच्छे से मोज़रेला चीज़ लगा दी है एक परत, थोड़े से कॉर्न्स और डाल देता हूँ स्टफिंग के लिए। तो दोस्तों ये बनके तैयार हो जाएगी स्टफ गार्लिक ब्रेड घर पर ही। थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग यानी कि ऑरेगानो की एक लेयर लगा देता हूँ, और जो मैंने ब्रेड एक और तैयार करनी है इसकी ऊपर की परत के लिए वो साइड में रख लेता हूँ। अगर ये ब्रेड जल रही हो पहले वाली तो इसको आप हटा के हल्का सा साइड भी कर सकते हैं, हल्की सी, ये ज़्यादा करारी ना हो जाए, इसलिए मैंने एक मिनट के लिए साइड कर लिया है, और बाकी सारी प्रतिक्रिया इस पर पूरी कर लेता हूँ। वही सेम टू सेम एक साइड घी लगाया और दूसरे साइड वही परत गार्लिक वाले बटर की जो मैंने तैयार करी थी। देखिए दोस्तों ये परत लगा देता हूँ,
और अब उस ब्रेड को भी वापस ले आता हूँ जो मैंने पहले तैयार करी थी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस तरफ से पकना बाकी है तो मैंने इसको कवर कर लिया है ऐसे, और अब टर्न कर देता हूँ क्योंकि इस साइड से पकाना बाकी है। भाई वाह दोस्तों, इतनी बढ़िया गार्लिक ब्रेड की खुशबू आ रही है इस वक्त। ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनके तैयार हो चुकी है। चीज़ डिप भी हमने घर पे ही बनाया था, गार्लिक बटर भी घर पे ही बनाया था, और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगा दोस्तों इसमें कैसे चीज़ लबालब भरा हुआ है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा फेसबुक पे, तो हमने इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जोड़ा है जो हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे आसान रेसिपीज़ का लिंक है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और देख लीजिए दोस्तों अंदर से टेक्सचर हमारी गार्लिक ब्रेड कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। भाई वाह, गार्लिक ब्रेड का तो मज़ा ही आ गया। तोड़ के दिखा देता हूँ दोस्तों इसमें मोज़रेला चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आया है। है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गार्लिक ब्रेड। और ये देखिए दोस्तों क्या मोज़रेला चीज़ का खिंचाव आया है बढ़िया सा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। आप ट्राई करेंगे तो आप भी मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। मैं चलता हूँ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा। इतने में आप देख लीजिए अंदर की स्टफिंग भी गार्लिक ब्रेड की कैसे दिखाई दे रही है थोड़ी सी पकने के बाद, और कैसे मोज़रेला चीज़ बढ़िया से अपना काम और कमाल करती है। चलिए अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं अंदर से स्टफिंग कैसी है।